प्रयागराज के अतरसुइया में जामिया हबीबिया मस्जिद है। इसके बगल में हबीबिया मदरसा है जिसमें छात्र इस्लामिक शिक्षा ग्रहण करते हैं। मदरसे में बाहर से आकर छात्र कमरा लेकर भी रहते हैं, लेकिन पिछले 3 महीनों से इसी मदरसे के एक कमरे में मदरसे का कार्यवाहक प्रिंसिपल तफसिरुल अरिफिन और उड़ीसा का जाहिर खान 100-100 रुपए के नकली नोट छाप रहे थे और नोट को प्रिंट करने के बाद ये लोग पहले 1 या 2 नोट मार्केट में चलाते थे। अगर सब ठीक ठाक रहा तो ये लोग नोट की गड्डियां बनाकर अफजल और शाहिद को दे देते थे। ये दोनों लोग 45,000 रुपए नकली नोट के एवज में 15,000 के असली नोट लेकर सप्लाई के लिए आगे भेजते थे। पुलिस ने मदरसे के प्रिंसिपल अरिफिन और नकली नोट के धंधे के मुख्य सरगना जाहिर खान सहित दोनों सप्लाई करने वालों को गिरफ्तार कर लिया है और मदरसे के कमरे से 1.5 लाख रुपए नकली नोट, 100-100 की गड्डियां और प्रिंटर भी बरामद कर लिया है। देखिए, ये जो थाना सिविल लाइन पुलिस टीम के द्वारा एक नकली नोट बनाने वाली जो गैंग है उसके 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। 4 अभियुक्त जो हैं उसमें मोहम्मद अफजल, मोहम्मद साहिद, जाहिर खान और मोहम्मद तफसीरुल आरिफीन, ये चारों लोग इन्वॉल्व थे। ये एक मदरसा जामिया हबीबिया है अतरसुइया में और इसी में ये पूरा रैकेट चल रहा था। जो मोहम्मद तफसीरुल हैं ये इसी मदरसे के मौलवी प्रिंसिपल थे और जाहिर खान जो इसका मेन मास्टरमाइंड है, दोनों ये उड़ीसा के रहने वाले हैं। पिछले 5-6 साल से इसी मदरसे में ये दोनों रह रहे थे और इनके द्वारा ये जो नकली नोट बनाने की जो कार्रवाई इनके द्वारा यहाँ पे की जा रही थी। और इस मदरसे में अलग से इस प्रिंसिपल ने इनको रूम दे रखा था, वहीं पे सारा प्रिंटिंग का काम, फिनिशिंग का काम, कटिंग का काम वहीं पे होता था और वहीं पे ये नोट तैयार करके फिर मार्केट में बेचने के लिए लेके जाते। अभी तक नकली नोट का जितना भी खुलासा हुआ है उसमें ज्यादातर 500 के नोट या फिर 2000 के नोट ही मिले थे, लेकिन फेक करेंसी धंधे का मास्टरमाइंड जहीर ने छोटी नोट यानी 100 रुपए के नोट छापी ताकि किसी को शक न हो और नोट भी देखने में असली की तरह लगती थी। ये काम 3 महीने से चल रहा था। पुलिस के मुताबिक जहीर ही असली मास्टरमाइंड है। इसने मदरसे के प्रिंसिपल और 2 अन्य लोगों को कमीशन के तहत अपने साथ जोड़ा था। पुलिस अब इन लोगों से और पूछताछ करेगी ताकि इस नेटवर्क का जाल कहां कहां फैला है ये पता चले। देखिए, पिछले 3-4 जो अभी तक की पूछताछ हुई है उसमें इनके द्वारा बताया गया है कि पिछले 3-4 महीने से ये जो फेक इंडियन करेंसी नोट्स जो हैं ये बना रहे थे और इनके द्वारा मार्केट में जो इंडियन करेंसी ओरिजिनल करेंसी है उसमें जो अभी हमें पकड़ा तो ये एक डील कर रहे थे कि 15,000 में ये 45,000 के फेक इंडियन करेंसी नोट्स प्रोवाइड कर रहे थे। तो मुखबिर की सूचना पे ये पुलिस ने डेवलप किया और उसी के बेसिस पे इस पूरी गैंग को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। क्या इसमें और भी लोग शामिल हो सकते हैं इस नेटवर्क में? देखिए, जैसे कि ये दोनों जाहिर खान और जो प्रिंसिपल, दोनों ही उड़ीसा के रहने वाले हैं और इनकी इंटेरोगेशन में और जो हमारे पास अन्य इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस मिले हैं उसमें कुछ ऐसे फैक्ट्स आए हैं, उन पे भी हम कार्रवाई कर रहे हैं और जो अन्य लोग भी इसमें इन्वॉल्व होंगे उन पे भी पुलिस कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।